गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स. मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, जिनको बोला जाता है मेल टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स एंड फीमेल ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस जर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स है जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स. ठीक है. और ये जो किसके द्वारा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी. ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में. द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर को बोला गया है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स. जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर होता है. ये क्या करता है कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और वो नंबर्स में बढ़ता रहता है एंड इंक्रीज इन नंबर्स. उसके बाद में हर स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, डिप्लॉयड होता है. ठीक है, और क्या कंटेन करता है, वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को बोला गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, पीरियोडिकली अंडरगोस मायोसिस. ठीक है, जो कुछ कुछ टाइम में अंडरगोस मायोसिस डिवीजन में जाते हैं. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या करता है, तो उसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं. अगर हम स्पर्मेटोसाइट्स को देख के चले तो जैसे 2n है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, दो हैप्लॉइड बनेंगे. मतलब डिप्लॉइड से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैप्लॉइड प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. और इनको बोला गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज हो रहे हैं, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो डिप्लॉइड है और नाउ अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं जो क्या है, आपके हैप्लॉइड हैं. और इनके पास क्या है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो किस में जाता है, अंडरगो द सेकेंड मायोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइट्स. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन होता है कि वो 4 इक्वल स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस कर पाए. तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बन गए, स्पर्मेटाइट्स. इसको बोला गया है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइट्स. नाउ द स्पर्मेटाइट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्मेटाइट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जिनको बोला गया है स्पर्म्स, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. देखो, दो चीज़ें हैं याद रखने की, स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मियोजेनेसिस. ये दोनों ही डिफरेंट है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि ओवरऑल प्रोसेस को हमने बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो बेसिकली जब आपके स्पर्मेटाइट्स जब ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तब बोला गया है कि उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैज बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. मतलब जैसे ही जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो स्पर्म के हेड हैं वो एम्बिटेड हो जाते हैं किसमें, सर्टोली सेल्स के अंदर. सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. क्या प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. रिमेंबर, ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, और हमने ऊपर जो पढ़ी वो एक अलग प्रोसेस है.
तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में जो स्पर्म थे, स्पर्म्स के हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर इम्बीडेड हुए, और अब जब फाइनली वो रिलीज होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों अलग चीज़ें, इसलिए इनको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि तब इंक्रीज होता है सिक्रीशन किसका, गैनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH बोला गया है। हार्मोन का नाम याद रखना, दिस इज़ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ टू गैनेडोट्रोपिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब उसने क्या बोला, ये जो आपका GnRH है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जब GnRH का लेवल बढ़ता है तो वो एक्ट करता है किसके ऊपर, ल्यूटेनाइजिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और फिर वो सिक्रीट करता है किसको, दो गैनेडोट्रोफिन को, जिसको बोला गया है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेट्स हार्मोन। जो LH है ठीक है वो लेडिक सेल्स पे काम करता है, एक्ट एज द लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। देन एंड्रोजेंस इज इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इजी है समझने में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा यहाँ पे कौन सा हार्मोन किस पे एक्ट करता है और कब रिलीज होता है उसके बारे में दे रखा है। क्या बोला कि प्यूबर्टी के टाइम पर क्या इंक्रीज होता है, गैनेडोट्रोपिन में हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोला गया है GnRH। जब ये बढ़ता है तो ये एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिसकी वजह से दो गैनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोला गया है। फर्स्ट है जो वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो, और जो दूसरा है वो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फिर जो LH है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर, जो फाइनली किसको रिलीज़ करता है, एंड्रोजन को रिलीज़ करता है, उसका सिक्रीशन करता है, और एंड्रोजन इन सब के बदले स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH एक्ट ऑन द सर्टोरी सेल्स एंड स्टिमुलेट्स FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है एंड देन स्टिमुलेट करता है वो सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे फैक्टर्स में हेल्प करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स के सिक्रीट करने पर जो फाइनली किसको हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को।